a South Asian Canadian channel. 12 अप्रैल नूं बठिंडा दे मिलटरी स्टेशन विच चार नौजवानों नूं गोलियां मारन दे मामले विच पुलिस ने मौके ते गवाह नूं गिरफ्तार करके वड्डे खुलासे कीते ने। मीडिया नूं संबोधन करदे होए SSP D बठिंडा गुलनीत सिंह खुराना ने दस्सिया है कि मिलटरी स्टेशन विखे वापरे गोलीकांड नूं लै के फौज अते बठिंडा पुलिस वल्लों सांझी जांच टीम बनाई गई सी। जानकारी दिंदे होए SSP बठिंडा ने दस्सिया है कि बठिंडा छावनी के अंदर गोलीबारी होने की घटना वापरी, जिस विच चार फौजी जवान गनर सागर बन्ने, गनर योगेश कुमार, गनर नागा सुरेश और गनर कमलेश की मौत हुई सी। इस दे संबंध में मेजर आशुतोष शुक्ला यूनिट नंबर 80 मीडियम रेजिमेंट कैंट बठिंडा वालों बयान दिता गया सी कि गनर देसाई मोहन ने दस्या कि सवेरे 4:30 मैस की बैरक विच फायरिंग की आवाज़ ते जद उसने बाहर आके वेख्या तो मैस की बैरक विचों दो नामालूम व्यक्ति, जिन्हां विचों एक दे हाथ विच इंसास राइफल अते दूसरे दे हाथ विच कुल्हाड़ी फड़ी हुई सी अते बाहर आ रहे सन, जो उसनूं देख के जंगल वाद चले गए। मेजर आशुतोष शुक्ला दे बयान दे आधार ते अणपछाते व्यक्तियों विरुद्ध मुकदमा नंबर 42 मिति 12/4 नूं दर्ज किया गया सी। मुकदमे की तफ्तीश दौरान 10 शक्की व्यक्तियों नूं नोटिस जारी करके तफ्तीश च शामिल होण लई पुछगिछ की गई। शक के आधार पर गनर देसाई मोहन वालों पुछगिछ दौरान उस वालों पहला दिते बयान अते दुबारा दिते गए बयान विच फर्क पाया गया, जिस ते होर डूंगाई दे नाल पुछगिछ करन उपरंत होर तत्थ सामने आउण ते गनर देसाई मोहन नूं उक्त कतल दे जुर्म लई नामजद करके गिरफ्तार कर लिया गया। एक मनभागी घटना अपने जिले विच वापरी सी, जदों तड़के सवेरे 4:30 करीब चार जवान जिहड़े हैगे आर्मी दे कंटोनमेंट एरिया जदों चार जवानां नूं कोई बंदा मार के चला जाए तो उस चीज़ की सेंसिटिविटी वक्री हो जाती है। उस तो बाद काफ़ी अफवाह भी उड़ियां कि चार दो बंदे सीगे जिहड़े कुर्ता पजामा पा करके आए सीगे अंदर और उन्होंने आ करके यह जी घटना अंजाम दिता, जिद सू शक हो गया कि टेररिस्ट इंसीडेंट ना हो। बट जो आप इन्वेस्टिगेशन यदि शुरू की थी अगली अगली तो सू क्लीयर होया कि जरा एक वैपन कुछ एक दिन पहला चोरी होया इंसास राइफल और कुछ कारतूस भी जो है चोरी हुए थे, वो ही वैपन जोड़ा है वो इस इंसीडेंट यूज़ किया गया। और सू पता है कि जो योजे इंसीडेंट में कोई वैपन इंटरनल यूज हो हमेशा यह मनिया जाता है कि कोई ना कोई इंटरनल बंदा ही ये इनवॉल्व है। आर्मी के नाल साडी चंगी जी है सर्च ऑपरेशन और तफ्तीश जी है लगातार आप एक दूजे कोऑपरेट करते रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन करद्या होया कल सानू एक ब्रेक थ्रू मिले जो आप कुछ एक बंद शक के आधार से पुछगिछ वास्ते अपने को बुलाया होया सी। जिहड़े बंदे ने सानू इतलाह दित्ती सी कि 4:30 उन्हें दो बंदियां नू कुर्ता पजामा पा करके भजदे हुए जंगल वल नू देखिया है, उसकी पुछगिछ जो फर्क आया बार बार वो बयान चेंज कर रहा है तो असी उसकी सख्ताई के थोड़ी पुछगिछ की तो उन्हें मनिया कि वो जो चार जवानों मारिया गया है वो वालों ही मारिया गया है और उसने कुछ एक दिन पहला वैपन इंसास का जोड़ा है 20 कारतूसा के मैगजीन समेत तो 8 राउंड जोड़े LMG के वो चोरी किए थे। इसे मंतव किए थे क्योंकि यदि कुछ परसनल रंजिश थी उस बंद और यह उन्होंने मौत के घाट उतारना चाहता है। जदों मौके की अपनी पड़ताल शुरू की गई सी, साडी CIA की टीम SHO कैंट DSP साहब और SPD साहब मौके पर गए सी, उदों सानू 19 जिहड़े हैगे ने खाली कारतूस मौके तो बरामद हुए सीगे जिहड़े कि इंसास राइफल दे सीगे, जितों यह भी क्लीयर हो गया सी कि इंसास राइफल मोस्ट प्रोबेबली जिहड़ी हैगी है जो चोरी हुई है उही इहदे विच इस्तेमाल हुई है। और कल जदों इन्हें सारा कुछ डिस्कलोज़ किया उस तो बाद असीं जा करके आर्मी एरिए काफ़ी थोरो सर्च ऑपरेशन चलाया और यदि निशानदेही तो आप उतों कुल 7 कारतूस बरामद किए हैं जिदे 6 कारतूस जिंदा सके जे 8 कारतूस चोरी किए थे LMG वो सी और एक मिसफायर होगा जो इन्हें बंदियां मारन की कोशिश की थी उदों पहला राउंड ये कोलों मिसफायर होया जिन्हें उठा के अपनी जेब में पा लिया और इंसीडेंट करन तो बाद नेड़े दे एक सीवरेज पिट में इन्हें लजा करके वो सारे के सारे 8 कारतूस जिंदा एक जरा यूज कार्ट्रिज सी वह वैपन यह सारी चीज़ों ने लिजा करके डंप करती है वैपन सानू उसे दिन बरामद हो गया सीगा और बाकी दे कारतूसा 9 कारतूसा जो सानू 7 कारतूस बरामद हो गए ने। बाकी आर्मी के नाल सांझा ऑपरेशन साडा हजे भी कैरिंग ऑन है उत्ते चल रहा है जिहड़े एक बैग के अंदर इन्हें वैपन छुपा के रखा सीगा वो वैपन वो बैग भी आपां बरामद कर लिया है तो जिहड़े कपड़े च इन्हें लुका करके कारतूस रखे सीगे वो आपां कपड़ा भी बरामद कर लिया है। कारण की
मैं तुहानू दस रहा है कि परसनल रंजिश सी कुछ कारण करके आपस में रंजिश रखते थे जिन्हों के हालात इन्हें जा करके वह बंद कतल करता देसाई मोहन नाम सारे संतरी ड्यूटी कह लो एक तरीके सारे पॉइंट से ही छे बंदे तैनात सके और सांझी ड्यूटी करते होंगे वारी वारी वो एक बंदा यह जिन्हें बाकी चार बंदे जो उन्होंने बहुत घट गल सामने आ रही थी जो वैपन से किसी खड्डे चो मिला पानी खड़ा सेम खड्डा है जिसकी मैं गल कर रहा है एक सीवरेज का पिट है जिन्हें वैपन सुटता काफी पानी भरया होया है तो वह दिखाई नहीं दिता पहला वैपन से जो पानी कढ़िया गया पहले दिन उदों वैपन तो मिल गया बिकॉज इट इज़ ऑबवियस वड्डा वैपन होंदा है वो दिख जाता है बट एमुनिशन उस दिन बरामद नहीं होती क्योंकि सानू नहीं क्लीयर सी कि कुछ उन्हें उत्थे सुटिया है कल जो यदि काफ़ी थोरो पूछगिछ की गई दैन ही रिवील कि इन्हें जो जो 8 कारतूस चोरी किए थे और जो एक लाइव जो कार्टज जी यदि मिसफायर हो गई वो 9 कारतूस इन्हें लजा करके उस पिट उस वैपन के नाल ही सुटे थे काफ़ी थोरो सर्च करन तो बाद काफ़ी मतलब चंगी तरीके की सर्च है सात कारतूस बरामद हुए निजी कारण की गल कर रहे हो चार बंद का कतल होया एक हो सकती है दो चार निजी रंजिश बिल्कुल जी बिल्कुल चार निजी रंजिश सी कुछ परसनल रीजन है जिन्होंने आप इतने मीडिया से डिस्कलोज नहीं कर सकते हैं तो आई वुड लाइक कि तुम भी जिनी गल मैं तुम्हें कह रहा है वो विश्वास करते हुए उस चीज़ को अगर डिस्कलोज सर जी एफ आई एफ आई दर्ज हुई थी दो जो है बंद दसे गए कुर्ता जमल पार्क है इसे बंदे ने साढ़े चार बजे जो इंसीडेंट किया है उस तो बाद स्टोरी कंकॉक्ट की क्योंकि जियो मैस उ नाल हैगी है उत्तर कुछ ऑफिसर्स भी आते हैं उन्होंने गैसट भी आते हैं इन्हें जाते देखा होना कि कोई कुर्ते पजामे वाले बंदे एक दो दिन उत्थे आए थे तो इन्हें उस हिसाब न एक कुर्ते पजामे वाली स्टोरी बनाई एक वैपन चुकी मिसिंग सगा जो चोरी होया वो वैपन उत्थे यूज भी होया तो इन्हें कहता कि वैपन यह वाला जो है इंसास राइफल वो बंदे के हाथ चगी है क्योंकि दूजा कोई होर वैपन नहीं सीगा तो इन्हें एक पर्स या कुलाड़ी का जो है ना ले लिया कि दूजे बंदे के हाथ से कुलाड़ी सी जो मारने वाला है वो अनमैरिड है और जो सारे डेथ हुए हैं वो भी अनमैरिड सर कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं इसकी डिटेल जो है वो अभी इस वक्त डिटेल जो है आई हैव दो बंदे तमिलनाडु के हैं दो कर्नाटका के हैं और जिस बंदे ने मारा है ही इज फ्रॉम एपी सर जिद्दां इस ते 302 दे जो सेक्शन 54 एक्ट दा मुकदमा दर्ज कीता गया ते इस तो अलावा जिद्दां इन्हें गुमराह कीता पुलिस ने ते आरबी ने उस दे देखो जी अजे वी हैव पुट हिज अरेस्ट आपा हुन कोर्ट पेश करा करके एदा रिमांड लवांगे ओदे विच अगे हजे दी होर पुछगिछ करांगे और जो भी इन्वेस्टिगेशन में जाओगा उस हिसाब से वादा जुर्म या जो काटा जुर्म करना होगा उस हिसाब से तफ्तीश जड़ी है कि अपना अपना रूट आप लोगे सर जिस तरह सर कितने दिन लगा के ट्रेस कर दिया सीसीटीवी कैमरा वगैरह से कोई प्रोविजन नहीं है कि देखो जी सीसीटीवी कैमरे हैगे ने बट पॉइंट इज कि जड़ा है सेंसिटिव एरिया हैगा वी कैन नॉट डिस्क्लोज कितने सीसीटीवी कैमरे उधर लगे हुए हैं नहीं मतलब कितने दिन लगा था कारण कुछ भी देखो जी ज्यादा जो कातल होता है वो अपना दिमाग भी वरतता है कि किस पॉइंट तो छुप के निकल सकता है केड़े पॉइंट ते सीसीटीवी कैमरे जे चीज कैद नहीं होगी इसे करके जड़ा है सीसीटीवी कैमरे जे सानू आ चीज नहीं लभी और पॉइंट इज कि जड़े बंदे ने कतल किया सीगा वो शुरू तो ही इन्वेस्टिगेशन नू गुमराह करन दी कोशिश जिस तरह तुसी भी आप कहा करन दी कोशिश कर रहा सीगा ते हुन एवरीथिंग इज क्लीयर वो बंदे दी आपा अरेस्ट पा ली हैगी है उन्होंने कोर्ट पेश करा करके आपा उहदा रिमांड ले करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करांगे और जो भी इन्वेस्टिगेशन दौरान आऊगा उस हिसाब नाल कार्रवाई करेंगे सर सारे इक्को यूनिट दे ने जी ये सारे इक्को एक ही यूनिट सर जिस तरह नहीं हजे तक होर किसी की कोई शक्की भूमिका नहीं आई हैगी बट फिर भी साडी तफ्तीश जारी है टेक्निकल तौर पर भी जो मोबाइल है उन्होंने फॉरेंसिक्स की जा रही है वो तो भी जो गल सामने आऊंगी सीडीआर की पड़ताल कर रहे हैं वो तो भी जो गल सामने आऊंगी उन्होंने सारा रखद्या हो एक कट्ठी जी है आप वधिया तरीके डीप इन्वेस्टिगेशन जी करा साउथ एशियन कैनेडियन चैनल।